दोस्तों मीडिया के माध्यम से और अन्य तरीकों से आपको सूचनाएं मिल रही होगी कि जिला पंचायत कचहरी में कोरोना के केसेस में काफी वृद्धि हुई है और कई जगह जिला पंचायत कचहरी कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया, इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। तो इस बारे में मैं कुछ स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ। 3 कोरोना के केसेस मई महीने में आए थे, जो कि हमारे फील्ड स्टाफ जो कि समरस हॉस्टल में क्वारंटीन में ड्यूटी कर रहे थे, तो तीनों एकदम एसिम्प्टोमेटिक थे। एकदम ठीक होकर उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन भी कर ली, उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद एक और केस हमारे फील्ड स्टाफ का आया, जो कि अभी एकदम स्वस्थ है, हॉस्पिटल से 1-2 दिन में डिस्चार्ज हो जाएगी। इसके अलावा जो 5 केसेज हैं, उनमें से 2 के ऑलरेडी डिस्चार्ज हो चुके हैं, जो एक है वो कुछ ही समय में डिस्चार्ज हो जाएगा, 1-2 दिन में। तो कुल मिला के हमारे पास 2 दिन बाद 2 एक्टिव केसेज बचेंगे, जो भी अभी फिलहाल स्टेबल है। तो इसलिए मेरा आपसे कहना है कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आपको जो सावचेतियां हैं वो रखनी है, पूरे टाइम मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है और बारंबार अपने हाथ सैनिटाइजर से धोना है। जिला पंचायत कचहरी में हम हर घंटे एक वजर बजा के रिमाइंड करते हैं कि आपको सैनिटाइजर साथ धोना है, हर समय मास्क पहनना है। ये भी आप जब गेट पर आते हैं तो आपको रिमाइंड किया जाता है। तो इन सभी चीजों का आपको पालन करना है। लेकिन ये सब चीजें सिर्फ जिला पंचायत के कर्मचारी अधिकारियों को ही नहीं, बल्कि सभी को पालन करना है। और स्पेशली जो जिला पंचायत के कर्मचारी अधिकारी हैं, वो ना सिर्फ जिला पंचायत कचहरी में बल्कि जब घर में हैं और घर के बाहर हैं, तब भी इन सभी प्रिकॉशंस का वो पालन करेंगे तो कोरोना से बिल्कुल बचा जा सकता है। इसमें बिल्कुल डरने की बात नहीं है, सभी लोग स्वस्थ हो रहे हैं और इसका एक केस का दूसरे केस से कोई लेना देना बिल्कुल नहीं है। तो अगर हम प्रिकॉशंस का सभी का पालन करेंगे तो हम सभी कोरोना से बच सकते हैं। धन्यवाद।